अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं जहूर जमीर। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर TFC कारगिल। एक्चुअली यहाँ पे आज इंटरव्यू हो रहा है, NYK का इंटरव्यू आज यहाँ पे हो रहा है। तो 3-4 ब्लॉक्स, तेसुरु, ब्यम्बर्ड, द्रास, कारगिल और भी कुछ ब्लॉक्स हैं जिनका इंटरव्यू आज यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तादाद में जो है अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो है यहाँ पे आए हुए हैं अपना इंटरव्यू देने। तो इससे पता चलता है कि बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमके वॉलंटियर्स का जो इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है NYK का, तो उसके बाद हम बाद में जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे के निकलेंगे तो उनसे भी हम पूछेंगे। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं तो काफ़ी लोग अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। बहुत सारे ब्लॉक्स, 4-5 ब्लॉक्स का इंटरव्यू होगा। तो काफ़ी तादाद में जो है अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो है वो दूर दूर से यहाँ पे हर ब्लॉक से लगभग, जो कि हर ब्लॉक से 20 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो उनमें से अभी 20 स्टूडेंट्स हर ब्लॉक से शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स यहाँ पर जमा है। तो हम पूछेंगे कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं। तो सर आप कहाँ से आए? ब्यम्बर्ड ब्लॉक से आए। तो यही इसका NYK का इंटरव्यू देना है। ओके, तो ब्यम्बर्ड ब्लॉक से भी लोग आए हैं। सर आप कहाँ से आए? सर द्रास ब्लॉक से आए। द्रास ब्लॉक से NYK का इंटरव्यू देना है। कहाँ से आए सर? द्रास से आए। तो आप सारे द्रास से आए? ये सारे द्रास से आए हैं। तो काफी दूर दूर से आए हैं, द्रास के अलग अलग गाँव से लोग यहाँ पे आए हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं। तो किस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए अंदर, थोड़ा शेयर करेंगे? सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन में 10+2 में आपके जो सब्जेक्ट होंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। जी जी। और ज्यादातर यही नेहरू केंद्रिया के बारे में भी पूछते हैं। तो आप आने वाले जो युवा हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, जो NYK के लिए ट्राई करना चाहेंगे, तो जिनको पता नहीं होगा कि हमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस आप हमें शेयर करेंगे कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे? लाइक तो आप आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड वो पूछते हैं। अच्छा, आपके जो भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो है इंटरव्यू देते रहना चाहिए, उससे इंसान का हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल। और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपकी आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से अंदर क्या चेक किया जाता है, मेन क्या देखा जाता है? बंदे का कॉन्फिडेंस देखा जाता है मेरे हिसाब से। तो ओके, आपको पूछते हैं। ओके, थैंक यू। ये तो बिलाल द्रास से थे जिन्होंने अभी इंटरव्यू देखा। ओके, ऑल द बेस्ट। तो आज यहाँ पर NYK नेहरू युवा केंद्र का इंटरव्यू हो रहा है। काफ़ी तादाद में अनएम्प्लॉयड यूथ्स यहाँ पे आए हुए हैं, जबकि ये 2 साल के लिए ऐसे वॉलंटियर्स ये काम करेंगे। तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।